नमस्कार, वक्त हो गया है न्यूज एट थ्री का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जारी किए गए अलर्ट की। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में होने के आसार हैं। राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण लखनऊ में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको दिखा दें कि किस तरह लोग फुटओवर ब्रिज और फ्लाईओवर ब्रिज का आश्रय ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से तीन दिनों से बारिश हो रही है उसके कारण सड़कों पर भी गाड़ियां एकदम रेंगती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी बता दें कि जाम जैसी स्थिति पैदा हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे के लिए हैवी रेन फॉल की संभावना जताई है। साथ ही यूपी के कई जिलों में हैवी रेन होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप घर से निकलते हैं तो ये पहले जान लें कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है। साथ ही ये भी जान लें कि उस जगह पे जाम जैसी स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है, तब जा कर के घर से निकले। कैमरामैन रंजन के साथ लोमस जी मीडिया लखनऊ। वहीं कानपुर में 48 घंटे से हो रही बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कानपुर के फीलखाना में कमला टावर के पास 3 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें 2 लोग फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर 3 मंजिला इमारत अचानक ही भरभराकर गिर गई और थोड़ी देर में के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से वहां फंसे मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए किस तरह से सब कुछ सामान्य था लेकिन अचानक से ही एक बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, नालियां तक टूट चुकी हैं। कटघर थाना क्षेत्र के शिव महामाया कॉलोनी में हालात और ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कॉलोनी में जाने वाली सड़कें और मुख्य रास्ते पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ 4 फुट से अधिक पानी भर गया है जिसका असर यहाँ बने मकानों पर भी साफ नजर आ रहा है। मकानों के अंदर तक पानी घुस चुका है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब नाव की सहायता लेनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार उन्होंने जलभराव को लेकर प्रशासन और नगर निगम से शिकायत की लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ। पानी भरा हुआ है, ना कहीं आने की है ना कहीं फिर जाने की है, ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं घर में। अच्छा, तो बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है? तो बंदे ये जा ही नहीं बच्चे। तो प्रशासन ने आपके लिए क्या सुविधा कराई? यही नाम लगाई है बस, खाली पानी निकलने के रास्ता नहीं है कहीं और बच्चे परेशान है, स्कूल कैसे जाए? घर में पानी भर गया, घर में पानी भर गया, गोटो गोटो पानी है, कहीं सामान रखने की जगह नहीं है, बहुत परेशानी उठानी पड़ी, खाने से परेशान है, खाना बनाने हम निकलने में बहुत दिक्कत होती है, तमाम सांप वगैरह फिरते हैं इधर पानी में और घर में भी घोटो घोटो पानी है, कोई रास्ता ही नहीं है पानी निकासी का, कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ की। मूसलाधार बरसात के चलते हरियाणा के ताजेवाला बांध हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी का असर अब मथुरा के वृंदावन में दिखाई दे रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद अब यहां यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसका असर निचले इलाकों में बसी कॉलोनियों में देखने को मिल रहा है। यहां कई मकानों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, न तो लोगों के मकानों को खाली करवाया गया है और न ही किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी की गई है जिससे यहां रहने वाले लोगों में खासी नाराजगी है। मकान लगभग जिनमें पानी घुस गया है, कम से कम नहीं तो 10 मकान तो होंगे, 10 मकानों में पानी घुस गया है। प्रशासन द्वारा कोई मुनादी कराई गई नहीं गई अभी तक? नहीं नहीं, कोई प्रशासन निकल भी गए होंगे, प्लान भी कर दिया है, सभी लोग यहीं रह रहे हैं, निकल गए, कछु खाली कर गए, कछु रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह गए। मथुरा का राधाकुंड रेलवे स्टेशन महज 1 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था लेकिन बारिश ने इस इमारत में हुए काम की क्वालिटी की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के कारण स्टेशन की जमीन में दरार आ गई है और पत्थरों से बना नया फर्श जमीन में धंस गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ है कि निर्माण कार्य में धांधली की गई है। 1 महीना पहले ही बनकर तैयार हुआ था ये रेलवे स्टेशन और आप यहां देखिए किस तरह से यहां पर निर्माण कार्य में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया ये बारिश ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। अब आनन फानन में रेलवे प्रशासन धसे हुए हिस्से को सही करने में जुट गया है।
हल्द्वानी में भी बारिश ने खूब तबाही मचाई। हल्द्वानी के चोर गलिया में 28 यात्रियों को ले जा रही रोडवेज की बस बह गई, तो दूसरी तरफ विठौरिया में दो कारें और एक ऑटो रिक्शा बह गया। यहां नाले के तेज बहाव में एक बच्चा भी बह गया था, जिसका आज शव बरामद हुआ है। हल्द्वानी में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये है कि घर में भी पानी आ गया है। सड़कों पर बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारिश ने यहां भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया, यहां एक बच्चा भी बह गया, गाड़ी और ऑटो के भी बहने की जानकारी मिली है। तो बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ाकर रख दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो नाला है, जो रिहायशी इलाकों के बीचों बीच बह रहा है, उसमें अचानक से इतना उफान आ गया कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। हमारी परगना लेवल पर तहसील टीम बनी है हमारी, और इसके अलावा सभी न्याय पंचायतों में एक एक टीम बना रखी है हमने। सभी लोग अपने अलर्ट पे हैं, और जहाँ भी कभी आपदा कहीं आती है, कोई दिक्कत आती है, सूचना आती है, हम लोग तत्काल जो कार्रवाई करनी होती है करते हैं। जो हमारे 120 के आसपास स्लाइडिंग जोन है, जहाँ पे स्लाइड अक्सर लैंडस्लाइड होता रहता है, वहाँ पे हमने टीम तैयार कर रखी है अपनी। जब भी सूचना मिलती है तत्काल वहाँ जाके उसको सफाई करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आधे घंटे से एक घंटे के भीतर वहाँ मलबा सफाई करके रास्ता सुचारू कर दें। हल्द्वानी में लाख चेतावनी लगाने के बावजूद वाहन और बाइक सवार तेज बहाव वाले पानी को पार करने पर आमादा है। पानी को पार करते ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है चोरगलिया रोड से, जिसमें एक बाइक सवार चेतावनी को दरकिनार कर अपनी जिंदगी का जोखिम उठा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोड पर पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन फिर भी ये युवक बाइक से सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो पानी के इस बहाव की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता है और बाइक समेत गड्ढे में गिर जाता है। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई, लेकिन बाइक गड्ढे में डूब गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक ही काशीपुर क्षेत्र में काले घने बादल आसमान में छाने के साथ ही तेज बरसात शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते क्षेत्र के सड़कों का हाल बुरा है। हर तरफ क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के चलते अक्सर ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिसके चलते कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आनन फानन में काम भी शुरू कराया गया है। इससे पहले इनर रिंग रोड में आई थी दरारें। अखिलेश के ड्रीम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है एक्सप्रेसवे। 13,200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 22 महीने में पूरा हुआ था। सड़क पर गहरी दरारों के साथ किनारे की मिट्टी भी कई जगह धस गई है। विकास का नया मॉडल बताया गया था ये एक्सप्रेसवे। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिनमें दुधवा पर्यटन स्थल के लिए 64 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण और दो लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लखीमपुर खीरी से दुधवा तक सड़क बनेगी। उच्च शिक्षा में सिलेक्शन नियमों में बदलाव किया गया है। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी आज। रोड अच्छी न होने के कारण टूरिज्म में दिक्कतें आती हैं, तो रोड अच्छे होने चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो जो 63.65 किलोमीटर्स है, उसका चौड़ीकरण करा जा रहा है और इसको दो लेन बनाया जा रहा है। मैं दो लेन जो बनाया जा रहा है वो पेव शोल्डर्स के माध्यम से है। ये आपका होगा जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक 63.65 किलोमीटर्स, और इसकी लागत जो है, जो अभी जो लागत इसकी है वो है 200 करोड़ के लगभग है। फाइनेंस्ड जो महाविद्यालय चल रहे हैं और नॉन गवर्नमेंट हैं, उसके अंदर जो एक प्रक्रिया थी जो 2010 में इसका शासनादेश निकला था, उसमें प्राचार्य पद के हेतु जो था उसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें संशोधन किया गया, थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया गया है। उसका कारण यह है कि 6,500 के ऊपर
ऐसे महाविद्यालय हैं और अभी भी 3,500 लगभग पद जो हैं प्राचार्य के वो अभी भी वेकेंट हैं। कोई भी 15 साल तक, मिनिमम 15 साल से इन संस्थाओं में उच्च शिक्षा से जो संस्था हैं उनमें जुड़ा होगा तो उसको और कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, मगर उसके साथ साथ उसका एक पीएचडी का जो पेपर होता है उसके अंदर उसका पेपर प्रकाशित होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है महत्वपूर्ण है कि वो पीजी करा हो और उसका जो न्यूनतम मार्क है वो 55% होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने खाली पदों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिक्त पदों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। जिला पंचायत सदस्य के 11 पदों पर होना है उपचुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 198 रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है, ग्राम पंचायत प्रधान के 170 पदों पर उपचुनाव होना है, ग्राम पंचायत सदस्यों के 2,978 पदों के लिए उपचुनाव होना है। 8 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 20 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हमले पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की वजह से हालात खराब हुए हैं। फैजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी सरकार ही ऐसी सरकार है कि जिसने आरोपी अधिकारियों को जेल भेजा है। डिप्टी सीएम ने भारत की सीमा में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे घुसपैठियों पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान दोनों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। सरकार घुसपैठियों पर लगातार कड़े कदम उठा रही है। पहली सरकार है योगी जी की कि जो जेल भी अधिकारी भेज दिए गए, पहले कोई साहस नहीं करता था। पहली सरकार ये है कि जो जिला अधिकारी तक का सस्पेंड किए गए, प्रोजेक्ट ऑफिसर तक का जेल भेजे गए। तो सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार की घटना करने वाले क्या है, इतना बिगाड़ के रख दिया गया था उत्तर प्रदेश को 15 सालों में कि अब अपराधी एक एक करके कर रहे हैं, जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं उनको 2-4-10 दिन के अंदर उनका जवाब मिल जाता है। हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और हम अपने हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं। कोई आके घुसपैठ करके अवैध नागरिकता के नाम पर हमारे वहाँ रहने लगे, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसको हमारे हिंदू मुसलमान के अधिकार पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। वो जाति के आधार और धर्म के आधार पर मत बांटिए कि वो जो घुसपैठिए आसाम में रह रहे हैं वो एक धर्म विशेष के हैं। नहीं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी अधिकार छीन रहे हैं, हिंदुस्तान के ईसाइयों का और हिंदुस्तान के हिंदुओं का भी अधिकार छीन रहे हैं। तो इसको जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर खुद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में मेरी हत्या की साजिश रची थी। मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम समाज को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मायावती ने असम में नागरिकता के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी एनआरसी का गलत फायदा उठा रही है। सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में मेरी हत्या करवाने की भी घिनौनी साजिश रची गई और फिर वहां के दलितों पर अनेकों प्रकार की जुर्म जाति की गई, जबकि असली अभियुक्तों को बीजेपी सरकार अभी तक भी सरकारी संरक्षण देती रही है कि बीजेपी के केंद्र व राज्य सरकारों पर देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भरोसा कतई भी नहीं करना चाहिए कि वे इनके हित व कल्याण की रत्ती भर भी परवाह करेंगे।
असम में एनआरसी की रिपोर्ट पर अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। अमित शाह के जवाब पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी अवैध घुसपैठियों की पहचान करता है, कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को विपक्ष बचाना चाहता है, हमने एनआरसी पर अमल करने की हिम्मत दिखाई। मतलब क्या है, एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करकर एक शुद्ध नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वाचन वार्ड का काम तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। माननीय सभापति महोदय एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के है। माननीय अध्यक्ष सारे लोग ये तरीका नहीं है। 40 लाख वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक से पहले आज एक अजीब तस्वीर सामने आई। कुछ ऐसा हुआ जिस पर हर किसी की नजर पड़ी। दरअसल पीएम मोदी जब बैठक में पहुंचे तो एक बीजेपी सांसद ने उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सांसद को ऐसा करने से रोक दिया। इटावा के सांसद अशोक दोहरे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करने से खुद पीएम मोदी ने रोक दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि कोई भी नेता उनके पैर ना छुए। यहां तक कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी की पहल पर एक सरकारी सर्कुलर भी जारी किया गया था कि किसी का भी स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया जाए।